तो दोस्तों, आप सभी ने एक कहावत तो सुनी ही होगी कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदा करते हैं वो एक दिन जाकर उसी गड्ढे में गिर जाते हैं। और आज सेम टू सेम ऐसा ही हो रहा है यूरोप वालों के साथ, क्योंकि यूरोप वालों ने अमेरिका का साथ दे के रशिया के ऊपर ऑयल प्राइस कैप तो लगा दिया, परंतु आज यह जो ऑयल प्राइस कैप है वो यूरोप के लिए ही सबसे बड़ा भस्मासुर बन चुका है। दरअसल अमेरिका का ऐसा प्लान था कि रशिया के कच्चे तेल को अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से हम काट देंगे, तो रशिया को कच्चा तेल से जो लाभ मिलता है और पैसे कमाता है रूस, वो पैसा रशिया से कट जाएगा। अब इससे नुकसान तो रशिया का भी हुआ और रशिया को भी बिलियंस ऑफ डॉलर का कच्चा तेल बेचने का मौका नहीं मिल रहा है, परंतु इससे यूरोप के ऊपर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। और इस प्रभाव को डालने में तुर्की ने सबसे बड़ा रोल अदा किया है। और आज यह खबर निकल के सामने आई है कि ऑयल प्राइस कैप की वजह से यूरोप को मात्र 5 दिनों के अंदर ही लेने के देने पड़ चुके हैं, और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है तुर्की। दरअसल तुर्की की तरफ से आप सभी को पता ही है कि बीमा के कागजातों को लेकर अपने जल क्षेत्र से होकर जहाजों को नहीं गुजरने दिया जा रहा। अब आप सभी के मन में भी प्रश्न उठ रहा होगा कि तुर्की ऐसे कौन से बीमा के कागजात मांग रहा है जो कि पश्चिमी देश की बीमा कंपनियां नहीं दे रही, और इसी कारण से यह जाम लगा हुआ है। तो तुर्की का साफ कहना है कि आपके जहाज का जो बीमा है वो आपके जहाज को तो कवर करता ही करता है, परंतु इसी बीमा के माध्यम से यदि उस जहाज के द्वारा किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती है और दुर्घटना में जितना भी नुकसान होता है उस नुकसान की भरपाई भी इसी बीमा के माध्यम से करी जानी चाहिए। मतलब साफ है, तुर्की यह बोल रहा है कि आपके जो जहाज है वो हमारे जल क्षेत्र से गुजरते हैं, और यदि इन जहाजों से किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी आपको ही लेनी पड़ेगी, और पश्चिम की जो बीमा कंपनियां हैं वो हमारे यहां पर होने वाले नुकसान की भरपाई अपनी बीमा के माध्यम से करेंगी। और पश्चिमी बीमा कंपनियों का कहना है कि यदि तुर्की के शर्त को हमने माना तो हमारे जहाजों से जो तेल हम लेकर जा रहे हैं उसको हमको ऑयल प्राइस कैप से ज्यादा कीमत पर बेचना पड़ेगा, जिसके कारण से हमारे ऊपर ही यूरोप वाले प्रतिबंध लगा देंगे। और इसी कारण से अब तक तुर्की ने कम से कम 30 की संख्या में जहाजों को काला सागर के अंदर रोक के रखा हुआ है, और इसी प्रकार के बीमा के जो कागजात हैं वो तुर्की के द्वारा मांगे जा रहे हैं। फिलहाल मैं आप सभी के इस टॉपिक के अंदर क्या राय है और G7 कंट्रीज के ऊपर ऑयल प्राइस कैप के बदले जो कार्रवाई हो रही है उसके ऊपर आप सभी की क्या राय है कमेंट बॉक्स में। फिर अवस्थी जी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।